गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे हो? माता जी सबको अच्छा रखें। तो गाइस मैं बना रही हूँ आज लंच में युग के लिए टमाटर की सब्जी और पराठे। तो मैंने सब्जी छोंक दी है, तो मैं तो सीटी आई तो पराठे सेक लेते हैं। और अभी मैं युग के लिए खाली सेकूँगी, क्योंकि मैं बाद में सेकूँगी, पहले युग को स्कूल भेज देते हैं उसके बाद सेकूँगी मैं, क्योंकि फिर हम लेट हो जाएंगे। तो मैंने कि ये जल्दी कर लेते हैं, फिर युग को भी जगाना है। हाँ, तो मैं यहाँ पे आवाज़ भी लगाती जा रही हूँ, उठो उठो, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है। जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे तब तक वो उठेगा ही नहीं। जब उसके पास जाएंगे तभी वो उठेगा, जब मैं उसे गोदी लेंगे तब उठेगा, तब उसे मैं ब्रश कराने जाऊँगी। कभी कभी अपने मन का होगा तो ब्रश खुद कर लेगा, मन नहीं होगा तो वो चाहे कितना भी कहे, जब तक हम नहीं कराएंगे, जब मैं कराऊँगी तभी वो करता है ब्रश, तो मैं गोदी लेके तब कराऊंगी जाके, वरना ब्रश नहीं करेगा ये। तो मैंने इतना दो पराठे सेक लिए हैं युग के लिए, हमने ढाक के रख दिया आटा, हमने चलो बाद सेकेंगे। तो चलो फिर चलते हैं, और मियाँ देख रहे हैं सीटी आ जाए जल्दी से, तो सब्जी बन जाए जल्दी टाइम से, तो फिर युग को सब्जी लंच लगा देंगे। तो सीटी आ ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से ऐसा कर रही थी कि आ जाए सीटी जल्दी से। तो यहाँ पराठे सेक लिए हैं और अब चलते हैं युग को जगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। तो गाइस मैंने नहा लिया है और युग स्कूल चले गए हैं, युग के लिए लंच बना ही दिया था। तो आपको बताइए लंच में मैंने क्या बनाया है। तो चलते हैं पूजा कर लेते हैं। पहले आज स्वाति के लिए लड्डू बन रहे हैं, तो देखते हैं कैसे बन रहे हैं लड्डू। तो आप सबको दिखाते हैं लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, चलते हैं दिखाते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं पूजा करने के बाद। पहले लड्डू दिखाते हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे आप सबसे। तब तक लिए थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लें। तो मैं दो दिन से मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि अभी भी आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ अजीब सी लग रही होगी, तो कोई नहीं सही हो जाएगा। और मैं तो स्वाति के लिए लड्डू बन गए हैं, और लड्डू बताएं इसमें क्या क्या डला है। इसमें हल्दी, सौंठ और मतलब कि मखाने, सब मेवा डली, मखाने, काजू, छुहारे सब डले हैं, मेवा और घी है। तो जैसे हरीरा बनता है वैसे ही ये लड्डू बनते हैं, और जी जाते हैं ससुर मायके की तरफ से, तो लड्डू बनाए जाते हैं ये। तो इस तरह से लड्डू बनाए जिसमें हल्दी डली। सजा एंट्री, चलो ये नमस्ते। कितना अच्छा है, बहुत अच्छी। एक नंबर। तो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार, ये देखिए मैं आज गाउन पहने गाउन। तुम्हें कैसी लग रही है? गाना कम पहले पंप ले। और ये बच्चे खेले, और देखो क्या तैयारियाँ हो रही हैं, बताते हैं। यहाँ पे चौक पड़ रहा है, चौक जा रहा है, दादी चौक पड़ रही हैं, बाबू की खीर को मैंने अच्छे से महीन कर लिया, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बड़े बड़े दाने ना रहे खीर के, नहीं तो गले में प्रॉब्लम होगी। मैंने उसके अच्छे से कर दिया कि खीर, देखो इसको भी ढाँक के रख दे, कुछ गिर ना जाए। तो कितने अच्छे से लगा के रख दिए प्लेट में, स्वाति ने बल गुलाब लगा दिए, प्लेट रख दी अच्छे से, कितना अच्छा लग रहा है। ओ ध्रुव आज खीर खाएगा, ध्रुव खीर खाएगा, वो देखकर क्या है, सब लोग क्या मेरे पीछे पड़ गए। ए? जो भी कुछ होता है दादी दवाई ना, झूठी दादी, सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं, खीर खाएगा दादी, जल्दी आ, भूख लगी है मैं। बाबू खीर खाएगा, खीर खाएगा दादी, जल्दी आ, भूख लगी है। आज 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 छप्पन भोग आ गया है, ये देखिए छप्पन भोग दादी का। ये देखो ध्रुव कैसे बैठे हैं, ये देखो ध्रुव, ध्रुव देखो मैं।
रखी तो पापा जी के पास है रुमाल उसकी वगैरह मुझे दे दी माचिस वो पंखा बंद करो लो खिलाओ ये खीर खाएगा अगर आ आ आ आ, आ, आ आ आ करो आ करने के चक्कर में पीछे जा रहा है खीर खीर ये क्या कर रहा है ये क्या है यही तो है बेटा स्वाद कैसे कर रहा मुंह देखो कैसे कर रहा खा लो खा खाओ खाओ मैं नहीं खाऊंगा मैं रख दे पहले तो मुंह साफ करना बाबा जी तीन तौलिया से मुंह साफ करो क्या तुम बना रहा मुंह साफ करो हां अब खिलाओ मुंह खोल के खाओ बेटा था होटल में चला आ मुंह बनाता दे लग ले तो अरे मामा है खोल ले चम्मच तो डालो अंदर अरे मामा है ले नारी से तो लगा अतिया अति अतिया अतिया ये ये आ ये 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 काली भैया की काली जय 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 वो कैसे बना रहा ये क्या खिला दिया अरे अरे छप्पन भोग तो खिला ही नहीं छप्पन वो खोलो इसके लिए मुंह बना के देखे तो मुंह कैसे ना नहीं खाएगा नहीं बस खोल लो ले दादी खीर खिला रही बेटा पर्दा हाँ अच्छी है अच्छी अच्छी है जब नींबू खाएगा तो क्या होगा जब नींबू चाह देगा तब क्या होगा बेटा तो मीटर में तो रोज है रोज है दिखा दिया दिखा दिया ना उसके सामने दिखा दिया बारी है वो प्लेट खीर खाओ खीर दिल में हाथ रख के खा रहा क्या खिला रहे हैं जी हमें तो देना बेटा है 10 बार होने वाले तुम्हारे अकाउंट में ओ ले ओ 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
आज के बाद जो हम खाएंगे वो तुम्हें खिलाएंगे, मोमोज की चटनी। ये आरती हो रही तुम्हारी देवता, आज तो तुम्हें दूध नहीं मिलेगा, आज से ये खाना क्या चीज ले यहाँ सो गए हैं, युग सो गए यहाँ पे खाना ना खा पी के यहीं पे सो गए, अब इन्हें खाएंगे बेड पे ले जाएंगे। कितने आराम से सो रहा है ये देखो बाबर आजम, अगले वाले मैच में गाइस बाबू खाना अनप्राशन कर चुका है, खीर खाई थी बाबू ने। तो मैंने सुबह ब्लॉग उतना ही बनाया था, मैंने ज़्यादा नहीं बना पाई, मैं वहाँ से घर से आई तो नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि बैटरी नहीं थी मेरे ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे आकर चार्ज लगाया क्योंकि उस टाइम मेरी बैटरी कम थी फ़ोन में। तो कोई नहीं, मैंने यहाँ पर जितना बनाया बनाया मैंने। और ये देखो बाबू क्या देख रहा है, इसकी मस्ती देखो, बलून देख रहा है बलून, ए क्या देख रहे हो, और इसकी पता मुँह देखो किस तरह से बना रहा था, मुँह ऐसे बना रहा था। और गैस मेरी बोला कि दो दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आया था मैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं करवा चौथ के दूसरे दिन में जब मुझे बुखार आ गया था, तो कोई मैं ठीक हूँ अब आराम है मुझे। और ये देखो मेरे गला भी बैठ गया था थोड़ा, और गला भी मतलब कि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसी वजह से गला भी बैठ चल गया था। कोई नहीं, आप सही है बिल्कुल, आप लोग को ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी आवाज़ है अब सही हो जाएगी, जुकाम है इस वजह से। और ये देखिए बाबू को देखो कैसे दिख रहा है और आज मैंने गाउन पहनी आपको बताई था, और फिर तो बड़े ध्यान से देख रहा बलून, बड़े ध्यान से देख रहा, देखो कैसे देख रहा, क्योंकि वो सब पूरे घर में लगे बलून ही बलून लग रहे, वो मुझे देख रहा है ना, है देख रहे हैं, हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, बाबू ने आज खीर खाई, बाबू ने आज खीर खाई, अब बाबू मोमोज वाली चटनी खाएगा, खाओगे मोमोज वाली चटनी, हैं बाबू एक काम करो गोलगप्पे खा लेना, हैं मौसी के फेवरेट गोलगप्पे, बाबू गोलगप्पे खाएगा, गोलगप्पे खाएगा बाबू, हैं आप मौसी ले आएंगे गोलगप्पे, हैं खाएगा गोलगप्पे के लिए बहुत टाइम है, अभी दांत निकलेंगे जब भैया जितने हो जाओगे तब गोलगप्पे खाओगे, हाँ भाई कितने हो जाओ तब गोलगप्पे मिलेंगे। हाँ तो युग ने भी चांदी की कटोरी में जब फर्स्ट बार खान अन्नप्राशन हुआ था युग का, तो युग ने भी चांदी की कटोरी में ही खाई थी खीर, और तब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी मैं कुछ भी, आप मुझे जानते भी नहीं थे तब, और तो फिर युग ने भी खाई थी चांदी की कटोरी में, तो युग ने भी फर्स्ट बार चांदी की कटोरी खाई, मैंने नहीं खाई कभी भी, हैं अब तो बाबू ने भी खाई चांदी कटोरी, भैया ने भी खाई थी चांदी कटोरी में, पता है भैया ने भी खाई थी चांदी की कटोरी में खीर, हाँ युग की भी खीर कटोरी आई, चांदी की चम्मच थी और वो कटोरी थी, युग ने भी खाई थी, हमने सादा किया था, मैंने ज़्यादा फंक्शन वगैरह कुछ नहीं किया था, ऐसी खीर खिला दी थी मैंने, सिंपल किया था कुछ नहीं, पहले इतना नहीं जानते मतलब कि मैंने खीर चांदी की कटोरी में खिलाई जाती तो बाबा खिलाते थे, युग को खिलाई थी। हाँ और बाबू मैं बाबू की एक देख रहा बलून ही देख रहा बड़े ध्यान से, पूरे घर में बलून बलून देख रहा, पूरे घर में बलून ही बलून है ना, बलून है बलून है बलून है, जरूर ध्यान देखो इसको देखो, देखो ध्यान से, एक जगह नजर लेटे हैं, देखो 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 चोना मेरे, चोना मेरे, चोना को देखो, देखो चोना को मेरे, देखो देखो एक बलून फोड़ के दिखाए ठीक है, चौकेगा देखना भी, अब दिखा कर के चौकिया चौका चौका मिनला चौक गया, मिनला चौक गया है, मिनला चौक गया सामना
गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और ध्रुव की मस्ती कैसी लगी, जब वो खीर खा रहा था कैसे मुंह बना रहा था, तो कैसी लगी कमेंट कर बताना। तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो आप सबको तो तकलीफ है भाई, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, खूब सारा प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना हमेशा। और तो तकलीफ है, जय माता दी, राधे राधे, गुड नाइट। बाबू गुड नाइट बोलो, बाबू गुड नाइट बोलो, गुड नाइट बोलो, बोलो गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बोलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। इसे मेरे यहाँ से खीर अच्छे से खा ली, थोड़ी सी खाई थी, मैं बाद में खिलाई थी, मैंने उसको ब्लॉग नहीं बनाया, ऐसी नेक चखाई थी ऐसी थोड़ी सी।